नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस समय चीन, जापान, दक्षिण कोरिया व अमेरिका जैसे कई देशों में कोविड वायरस के नए वेरिएंट का संक्रमण कावड़ी तेजी से फैल रहा है। भारत में भी विगत कुछ दिनों के दौरान कोविड के नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसके चलते आईएमए के सुझाव पश्चात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एहतियाती दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मिले दिशा निर्देशानुसार गत रोज ही जिले के स्वास्थ्य महकमे ने एक तरह से मॉक ड्रिल करते हुए कोविड के संभावित खतरे से निपटने के लिए अपने पास उपलब्ध साधनों व संसाधनों की पूर्व समीक्षा की। साथ ही इससे संबंधित जानकारी राज्य व केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के पास अपलोड की, जिसमें बताया गया है कि अमरावती जिले में संक्रमण की स्थिति पैदा होने पर मरीजों के इलाज के लिए निजी व सरकारी अस्पतालों, आइसोलेशन केंद्र, सामान्य ऑक्सीजन व आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट, डॉक्टर, प्रशिक्षित स्टाफ व अन्य जरूरी मनुष्य बल व साधनों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है। जिले के स्वास्थ्य महकमे द्वारा संकलित करने के बाद अपलोड की गई जानकारी व आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जिले में स्वास्थ्य विभाग के पास कोविड के किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए भरपूर इंतजाम है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी CBSE की कक्षा 10वीं व 12वीं की प्रात्यक्षिक व अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा आगामी 2 जनवरी से 14 फरवरी के दौरान ली जाएगी। इस आशय की घोषणा CBSE द्वारा की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर मूल्यमापन परीक्षा वाली तारीख पर किसी विद्यार्थी के लिए उपस्थित रहना संभव नहीं हुआ तो उसे परीक्षा की तारीख बदल कर दी जाएगी, लेकिन उसे इसी कालावधि के दौरान मूल्यमापन की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। कल मंगलवार 27 दिसंबर की सुबह चांदूर बाजार के कसापुरा में रहने वाली 24 वर्षीय इकरा अदीवा नामक विवाहित महिला ने अपने ससुराल में जान देने के इरादे से खुद को फांसी का फंदा लगा लिया। यह बात समय रहते ध्यान में आते ही घर में मौजूद लोगों ने इस महिला को तुरंत फंदे से नीचे उतारा और उसे इलाज के लिए चांदूर बाजार के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। इस समय इकरा की स्थिति काफी गंभीर रहने के चलते उसे वलगांव रोड स्थित बेस्ट हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर इकरा को तुरंत वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद रात करीब 9:30 बजे के आसपास इकरा अदीवा नामक महिला की मौत। इस समय इकरा के परिवार वाले उसके शव का पोस्टमार्टम कराए बिना ही शव को अपने कब्जे में दिए जाने की मांग करने लगे। साथ ही अस्पताल प्रबंधन द्वारा ऐसा करने से इनकार करने पर संतप्त परिजनों ने अच्छा खासा हंगामा भी किया। पश्चात गाड़गेनगर व नागपुरी गेट पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति को संभाला। वहीं आज सुबह मृतक युवती के शव का जिला शवागार में पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद दोनों पक्षों की सहमति के तहत शव को ससुरालियों के कब्जे में दिया गया और चांदूर बाजार ले जाकर दोपहर बाद इस विवाहित महिला की दफन विधि को पूर्ण किया गया। नागपुर में चल रहे विधानमंडल के शीत सत्र दौरान विधायक भारती लवेकर द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए विधानसभा में महिलाओं के अधिकारों को लेकर विषय रखा गया, जिस पर जवाब देते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकारी व अर्धसरकारी महकमों तथा सरकारी अनुदानित संस्थाओं की कुल पद भर्ती में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। ऐसे पदों पर किसी भी स्थिति में महिलाओं का आरक्षण महिलाओं को ही दिया जाएगा और महिला उम्मीदवारों के उपलब्ध नहीं रहने पर ऐसे पदों पर पुरुष उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अमरावती के जिला महिला अस्पताल स्थित बच्चों के अतिदक्षता विभाग में 25 सितंबर को सुबह 9 बजे के आसपास आग लगी थी। इस समय 37 बच्चों को सकुशल बचा लिया गया था, लेकिन एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने विधान परिषद में जानकारी दी कि उस बच्चे की मौत आग की वजह से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हुई थी, क्योंकि वह बच्चा पहले से ही बीमार चल रहा था। प्रहार जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व विधायक बच्चू कड़ू ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का रवैया अपना लिया है और विधान भवन के सामने तंबू डालकर सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही घरकुल योजना की ओर दिलाने का प्रयास किया है। विधायक बच्चू कड़ू ने अपने इस आंदोलन के बारे में गत रोज ही ऐलान किया था, जिसके तहत आज से वे अपने कई समर्थकों के साथ विधान भवन परिसर के सामने कच्चे तंबू डालकर रह रहे हैं। राजस्थान आले जेव्हा राजपूत महाराणा प्रताप लढले आणि तेवढा त्या युद्धामध्ये हे सगळे विस्कळीत झालेले कुटुंब आहे, असे हे सगळे परिवार आहे। ते तर झाले भटक्या विमुक्त जमातीचे लोक, पण गावात राहणारा जो अजूनही कच्चं मातीचं घर, वर्षानुवर्ष पिढ्यांना पिढ्या गेल्या जागा भेटली नाही, घर भेटलं नाही, भेटलं तर तेच कच्च्या मातीचं घर, वावरातल्या एखादी माती आणायची रसाची, त्याच्यात ते राहणारे लोक आहे। खरं तर 70 वर्ष स्वातंत्र्याला झाली आणि स्वातंत्र्यानंतर पूज्य बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे काही घटनेचा सार दिला तो सार असा होता का अन्न वस्त्र निवारा, किमान या घटनेतून पहिला अधिकार त्यांचा असला पाहिजे। ज्यांना अन्न नसेल तो उपाशी कोणी झोपला नाही तर झोपला नाही पाहिजे, वस्त्र असलं असेल तर तो वस्त्रहीन असला पाहिजे आणि किमान घर त्याच्या नशिबी आलं पाहिजे। 70 वर्ष उलटले, राज्यकर्ते मग्न झाले, आम्ही त्याच्यात असू शकतो,
खासदार आमदार ज्यांनी ज्यांना मत मारले त्याचे घर चांगले झाले, पण मत मारणारा मात्र बेघर राहिला, असं होता कामा नये। नागपुर क्षेत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने कहा कि राज्य में इससे पहले सत्ता में रहने वाली महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से विदर्भ विरोधी थी। यह गलती राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ने नहीं करनी चाहिए और विदर्भ क्षेत्र के विकास की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। अमरावती की पूर्व जिला पालक मंत्री व कांग्रेस विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा विधानसभा में शिक्षा अधिकार विषय को लेकर हुई चर्चा के दौरान सवाल पूछा गया कि सरकार द्वारा महाराष्ट्र की जिला परिषदों में ठेका तत्वों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन ऐसी अस्थायी नियुक्तियों के जरिए इन शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों को सच में शिक्षा का लाभ मिल सकता है क्या? आगामी 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर पर्यटन नगरी चिखलदरा में 31 का जश्न मनाने हेतु पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। ऐसे में परतवाड़ा से चिखलदरा की ओर आने जाने वाले रास्तों पर जिलाधीश पवनीत कौर ने वन वे यानी एक तरफा वाले रास्तों के संदर्भ में आदेश जारी किया है। इस बारे में जारी आदेश में कहा गया कि 31 दिसंबर की सुबह 8 बजे से 1 जनवरी की शाम 6 बजे तक परतवाड़ा से चिखलदरा जाने के लिए धामनगांव गढ़ी से होकर गुजरने वाले रास्ते तथा चिखलदरा से परतवाड़ा आने के लिए घटांग होकर गुजरने वाले रास्ते का प्रयोग किया जा सकेगा। आगामी 31 दिसंबर के दिन शहर में कानून व व्यवस्था की स्थिति को अबाधित रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शहर पुलिस द्वारा तमाम आवश्यक कड़े कदम उठाए जाने वाले हैं। इस दिन शहर के सभी फिक्स पॉइंट के अलावा चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया जाएगा। इसे लेकर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा तमाम आवश्यक नियोजन किया जा रहा है। शहर पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र के कई ढाबों व होटलों में अवैध रूप से शराब की बिक्री पर पाबंदी लगाने के साथ ही ऐसे स्थानों पर शराब के नशे में उत्पात मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आशय की जानकारी पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा दी गई है। अमरावती जिला परमिट एसोसिएशन की ओर से गतरो शहर के नए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, साथ ही उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि शहर में दिनों दिन बढ़ते जा रहे ढाबों पर खुलेआम शराब की अवैध तरीके से बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से भारी भरकम आबकारी शुल्क भरने वाले परमिट रूम संचालकों का भारी नुकसान हो रहा है। अमरावती मनपा क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट के मेंटेनेंस का ठेका मनपा प्रशासन में केंद्र की EESL कंपनी की उदासीन कार्यप्रणाली के चलते रद्द करते हुए शहर की ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स नामक कंपनी को सौंपा गया है। यह ठेका संबंधित कंपनी को 1 साल के लिए दिया गया है। क्रिसमस और नए वर्ष के कारण ट्रेनों में काफी भीड़भाड़ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए रेलवे प्रशासन काफी सतर्क हो गया है और रेल यात्रियों द्वारा मास्क का उपयोग करने के साथ ही त्रिसूत्री नियमों का पालन करने का आह्वान रेल प्रशासन ने यात्रियों से किया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की शहर व जिला कार्यकारिणी में अचानक भूचाल आ गया है। कल दोपहर से शुरू हुआ मनसे पदाधिकारियों के त्यागपत्र का सिलसिला आज दोपहर तक जारी था। इस दौरान 90 से अधिक उपाध्यक्षों, सचिव, महिला सेना विभाग अध्यक्ष, शाखा अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। अधिकांश ने अपने त्यागपत्र में पार्टी के अंतर्गत गठबाजी के कारण मनसे छोड़ने की घोषणा की है। इन सभी पदाधिकारियों के इस्तीफों को लेकर मनसे के मौजूदा महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे कल गुरुवार को मुंबई जाकर राज ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। नांदगांव पेट की शौर्य सभा के बाद कालीचरण महाराज ने बडनेरा की हुंकार सभा में अपने विचार व्यक्त करते हुए हिंदुओं से आगामी चुनाव में एकजुट होकर वोट डालने की अपील की। साथ ही उन्होंने यहां पर सभी तरह के जाति के बंधनों को तोड़कर संगठित होने और जहां मौका मिले वहां अपनी संगठन शक्ति का भरपूर प्रदर्शन करने की भी बात कही। अमरावती CA शाखा द्वारा MSME अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी के लिए प्रणय तांबी को प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि CA सदस्यों के पास MSME अधिनियम के क्षेत्र में अभ्यास करने के अपार अवसर है। निदा ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित निदा मॉन्टेसरी व निदा इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आज शाला के छात्र छात्राओं हेतु संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में अलादीन व जिनी की थीम पर आधारित वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों शालाओं के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही इस आयोजन में नए भविष्य का स्वागत करने हेतु नियम कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें विज्ञान, व्यवसाय, संस्कृति, परंपरा व धर्म के आधार पर विद्यार्थियों को दुनिया के बारे में जानकारी दी गई। गुजराती एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित शोभाबेन सेठिया इंग्लिश स्कूल के वार्षिक स्नेह सम्मेलन का पुरस्कार वितरण समारोह आज आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता करते हुए दिनेश भाई सेठिया ने स्कूल एवं संस्था द्वारा किए जा रहे कामों को लेकर संतोष जताया। भातकुली नगर पंचायत की तत्कालीन CEO करिश्मा वैद्य के खिलाफ 29 जुलाई 2022 को भातकुली पुलिस थाने में एट्रोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज मामले को गलत व झूठा करार देते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने इसे लेकर दर्ज FIR को खारिज करने के आदेश जारी किए हैं, जिसे CEO करिश्मा वैद्य के लिए काफी बड़ी राहत माना जा रहा है। इस मामले में करिश्मा वैद्य की ओर से हाईकोर्ट में जेमिनी कासट ने सफल व प्रभावी युक्तिवाद किया।
शहर के सामाजिक कार्यकर्ता व पत्रकार हरीश राठी व नवीन शर्मा द्वारा आज जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि अमरावती शहर सहित जिले में कई साप्ताहिकों व अखबारों का अस्थायी टाइटल कोड पर प्रकाशन चल रहा है और ऐसे अखबार प्रकाशित नहीं होते बल्कि केवल सोशल मीडिया पर PDF बनाकर भेजने तक सीमित है। ऐसे अखबारों द्वारा जिले के सरकारी अधिकारियों व व्यापारियों के बारे में उलूल जुलूल खबरें छाप कर उन्हें डराने धमकाने का काम किया जाता है, अतः ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। स्थानीय गौरक्षण के सामने एकवीरा देवी मंदिर के पीछे गुरुकृपा सत्संग समिति की ओर से संत सीताराम बाबा पुण्यतिथि महोत्सव निमित्त सुश्री मंगलाश्री जी का संगीतमय श्री रामचरितमानस नवान पारायण का आयोजन किया गया है, जहां पर मंगलवार को मंगलाश्री जी ने नवघा भक्ति का महत्व बताया। शहर के नए पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा अपना पदभार संभालने के साथ ही शहर को अपराधों व अपराधियों से मुक्त करने का अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत शहर पुलिस के रिकॉर्ड पर रहने वाले सभी छोटे बड़े हिस्ट्री शीटरों को ढूंढ ढूंढ कर CP रेड्डी के सामने पेश किया जा रहा है। साथ ही कई कुख्यात लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में इस समय CP ऑफिस में शहर के कई छोटे बड़े भाई व दादा लोग हाथ जोड़े CP रेड्डी के कक्ष के सामने लाइन हाजिर होकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। मुंबई से नागपुर की तरफ तेजी से जा रही कार समृद्धि हाईवे पर कारंजा से आगे करीब 10 किलोमीटर के फासले पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण एक महिला व एक बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि एक बच्ची कार से उछलकर 100 फीट से अधिक दूरी पर जाकर गिरी, जिसे आज तड़के अंधेरे में तलाशने के लिए 2 घंटे से अधिक का समय लगा। वहीं इस हादसे में घायल 2 लोगों को तत्काल इलाज के लिए अकोला के अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत विगत 24 घंटे के दौरान जानलेवा हमला किए जाने की 2 वारदातें घटित हुई। गाड़गे नगर व नांदगांव पेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित इन दोनों घटनाओं में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक विवाहित महिला का समावेश है। वहीं दोनों मामलों में 3 आरोपियों को संबंधित पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सातुना परिसर के जाधव इंजीनियरिंग कंपनी में 1 माह पहले हुई चोरी के मामले में राजापेट पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। तीनों आरोपियों के नाम सूरज चावरे, आकाश काले व हरेंद्र रामठे के बताए गए हैं, जिनके पास से 40,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। शहर अपराध शाखा के दल ने पेट्रोलिंग के दौरान वलगांव थाना क्षेत्र के शिराला गांव में एक पानठेले से 2 तलवारें जब्त करने के साथ ही आदेश जंजाल नामक युवक को गिरफ्तार किया है। बुलढाणा जिलाधीश कार्यालय में मध्यम प्रकल्प कार्यालय के जरिए बुलढाणा जिलाधीश कार्यालय के उपजिलाधिकारी के साथ ही एक लिपिक व एक वकील को 1,00,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते हुए बुलढाणा SEBI के दल ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इन तीनों ने एक किसान से जमीन का मुआवजा दिए जाने की एवज में 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। नागपुर के अजनी पुलिस थाने में पदस्थ PSI सखाराम कामले की शिकायत के आधार पर अकोला जिले के बालापुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक नितिन देशमुख के खिलाफ सदर पुलिस थाने में सरकारी कामकाज में बाधा डालने व ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ हुज्जतबाजी करने का मामला दर्ज किया गया है। शिकायत के मुताबिक विधायक नितिन देशमुख ने रवि भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिस कर्मियों के साथ हुज्जतबाजी करते हुए बिना अनुमति रवि भवन में प्रवेश किया और अपने साथ कई लोगों को भी रवि भवन के भीतर प्रवेश दिलाया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।